इसमें हमारे पास दो कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी है स्पा की और स्पा पूल की, दूसरी कैटेगरी है मेन स्विमिंग पूल्स की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पा पूल से। ये जो आप देख रहे हैं ये मिनीचर्स हैं पूल के, तो ये सारे डिजाइन हमारे पास मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं 12x6.5x3.5 स्विम स्पा के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें दो जन यहाँ पे बैठ सकते हैं, दो जन इधर बैठ सकते हैं, दो जन इधर बैठ सकते हैं। इसकी जो डेप्थ है 3.5 फुट है। उसके बाद में दूसरा जो मॉडल है हमारा, ये स्पा पूल है जिसमें कि ये जकूजी और सिटिंग अरेंजमेंट है, ये जकूजी और सिटिंग, तो दो लोग बैठ सकते हैं और ये नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये हमारा थोड़ा सा डीप पूल है जिसकी डेप्थ 4.5 फुट, 7 फुट 15, ये वेरियस साइज में आ सकता है। ये 15 फुट भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तीसरा जो साइज हमने जैसे एक एग्जीबिशन में दिखाया था अपना, होटल वाली एग्जीबिशन में, ये इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो स्पा पूल, जो 7x8x2.5 फीट का है, विच कैन हाउस अराउंड 4 to 6 पर्सन। देन वी हैव डी शेप स्पा जिसमें कि 12 फुट की लंबाई है, 6.5 फिट चौड़ाई है और 3 फुट गहराई है। यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं और जकूजी की जेट्स लग सकते हैं। चौथा एक क्वेश्चन ये रहेगा, इफ इन केस अगर कोई अपने साइड से कस्टमाइज करवाना चाह रहा है कि उसको डिजाइन नहीं पसंद आ रहा है तो वो उसका क्या प्रोसेस है? अगर किसी को एक पूल चाहिए या दो पूल चाहिए तो उसके लिए हम कस्टमाइज नहीं कर सकते। बट अगर कॉर्पोरेट कस्टमर है जिसको 40 पूल चाहिए, 50 पूल चाहिए, 100 पूल चाहिए, विलास में लगाने हैं, फ्लैट्स में लगाने हैं, उसके लिए हम कस्टमाइजेशन कर देते हैं। बिकॉज उसमें आपकी डाई की कॉस्टिंग एब्जॉर्ब हो जाती है और प्रोडक्टिव उनको इफेक्टिवनेस आ जाती है। इसको हम बोलते हैं स्केल के बेसिस पे हम कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पांचवा मॉडल हमारे और भी मॉडल्स हैं। ये जो मैं आपका मोटा मोटा मॉडल दिखा रहा हूँ ये 22 फुट बाई 8 फुट का है। इसमें दो लोग यहाँ बैठ सकते हैं, दो लोग इधर बैठ सकते हैं, एंडलेस सिस्टम बन सकता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्टो मॉडल। ये हमारा सबसे पुराना मॉडल है, विच इज 12 फीट बाई 8 फीट बाई 4 फीट। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ फाइबर ग्लास पूल। एक पोर्शन हमने दिखाया स्पा पूल का, अब आ गया मेन स्विमिंग पूल्स का। ये वाला मॉडल सो आपको देखा हुआ लग रहा होगा, इसमें एक जकूजी स्पा है, देन स्टेप्स हैं। इसको हम बोलते हैं ओलिव मॉडल। इसका साइज 21x11x5 फीट है टोटल। जब भी हम इसकी साइज की बात करते हैं तो एक्सटर्नल डायमेंशन की बात करते हैं। सेकेंड मॉडल इज लाइक रेक्टेंगुलर पूल, जो कि बहुत पॉपुलर मॉडल है, जो कि छोटे से बड़ा किसी भी साइज में हो सकता है। इसमें हम आपको 12 फुट 15 फुट 19 फुट 25 फुट और 31 फुट लंबाई तक दे सकते हैं। काइंड ऑफ ये बेसिक पूल है बिल्कुल। हाँ, और बेसिक पूल होने के साथ में जो भी हम पूल दे रहे हैं आपको, उसके अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम होगा, अंडर वाटर लाइट्स होंगी और पूल क्लीनिंग एक्सेसरीज होगी। उसके अलावा आपको अगर हीटेड चाहिए, जकूजी जेट्स चाहिए या पूल कवर चाहिए, वो एडिशनल होते हैं। नॉर्मली सेल्फ सफिशिएंट पूल हम आपको सबको देते हैं। ये हर पूल के साथ आप हर पूल के साथ ये मशीन आएंगी, लाइट्स आएंगी और फिल्टर आएगा। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइट इस तरह की होती है। ये आपका स्कीमर होता है, ये आपके इनलेट जकूजी जेट्स होते हैं, ये आपकी जकूजी की लाइट्स होती है और जकूजी के जेट्स होते हैं जो प्रेशर से आपको मसाज देते हैं। सेकंड ये हमारा मॉडल है, इसमें हमारे पास कई सारे पूल मिल जाते हैं। तीसरा मॉडल है हमारा रोमन शेप मॉडल। इसमें क्या है कि एक साइड आपकी राउंड होती है, 3 स्टेप्स होती है नीचे जाने के लिए और एक बहुत ही नैरो पूल है, करीब 7 फुट चौड़ा होता है और लंबाई इसमें हम 15, 21, 18 या 26 ले सकते हैं। इसमें हमारे मल्टीपल पीसेस बन जाते हैं। तो कुछ मॉडल हमारे ऐसे हैं कि जो हम लंबे कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे हैं जैसे हमारे फिक्स्ड स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हम ऑक्टागन की बात करें तो ये जो पूल है वन साइडेड राउंड है, अनदर साइज इज स्ट्रेट। सो इसमें स्टेप्स हैं, 3 स्टेप नीचे जाने के लिए। इसका साइज भी 17, 7.5 और 4 फिट का है। और भी हमारे पास मॉडल्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले में अवेलेबल नहीं है, यू कैन सी ऑन द वेबसाइट। दिस इज ए बीन शेप पूल, इसको हम बीन शेप या किडनी शेप बोलते हैं। इसमें एक बैठने की जगह होती है इस साइड में, उधर से हमारा नीचे उतरने का होता है। ये हमारा करीब करीब 24 फुट बाई 11 फुट बाई 4 फुट का एक्सटर्नल होता है। तो ये हमारे एक तरह के पूल हो गए, जो इनको हम बोलते हैं रेडीमेड और फाइबर ग्लास के पूल।